तुम्हें भी लगता है कि सारी गलती मेरी है? मुझे ऐसा नहीं लगता, बट मैं ये जानता हूँ कि तुम बहुत इनोसेंट, लोगों के बिहेवियर को जज नहीं कर पाती। यकीनन उस बासिल ने भी इसी चीज का फायदा उठाया होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे वाकई में लोगों की पहचान नहीं है, तभी मुझे तुम्हारा बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुमसे दोस्ती की थी और तुमने, और मैंने तुमसे मोहब्बत की है, और मैं तुम्हें मसाइल में घिरा हुआ नहीं देख सकता, बल्कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहता। मुझे अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करनी, लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी में रहना है। मैरिम, बहुत देर हो गई, मुझे चलना चाहिए। राफे, मेरी बात का जवाब तो देते जाओ। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। क्या मैं तुम्हारा इंतजार करूं? अभी पता नहीं, चलो। कहाँ छुपा के रखा अपने बुजदिल बेटे को तुमने? मेरी बेटी मेरे हवाले करो, इससे पहले कि मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो जाए। कासिमदार, मैं मजीद तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिलशाद बेगम, बदतमीजी? बदतमीजी तो अब शुरू होगी। कासिमदार, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ उन्हें। मेरे लोग जल्द बासिल और हानिया तक पहुँच जाएंगे। मुझे भी कोई अरमान नहीं है तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाने का। अगर ऐसा होता तो बासिल का रिश्ता लेके मैं पहले ही तुम्हारे घर आ गया होता। देखिए दिलशाद, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, हमें समझदारी से काम लेना होगा। समझदारी? तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से शादी कर ली है कासिमदार, और उसकी इस गलती का खुमियाजा ना तुम्हारा पूरा खानदान भुगतेगा। आई एम गोइंग टू लॉन्च एन FIR अगेंस्ट यू। तुम्हारा बेटा तो जेल में सड़ेगा ही, लेकिन मैं तुम सबको भी नहीं छोड़ूंगी। तुम, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी वो बेटी जिसने सारा प्लान किया था, फसाद की जड़ तो वो है, उसे भी नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे यूं धमकी मत दो। बासिल ने अगर तुम्हारी बेटी से निकाह किया है तो पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। इसलिए लीव माई हाउस नाउ, और आइंदा मेरे घर की चौखट पे कदम मत रखना। कासिम, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, हम बैठ के बात करते हैं ना। बात करने को रह ही क्या गया? Now you listen to me, कासिम दाद। तुम्हारी गलत फहमी है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। जिस तरह तुम्हारे बेटे ने हमें बदनाम किया है ना, तुमसे वादा करती हूँ सूद समेत लौटाऊंगी तुम्हें। अच्छा, क्या करोगी तुम? जाओ, जो करना है कर लो। क्या लग रहा है तुम्हारे इस आलीशान घर में से पुलिस आएगी? नो, मीडिया वाले, प्रेस वाले सब आएंगे लाइव कवरेज करने तुम्हारी बेइज्जती की। ब्रेकिंग न्यूज। और तुम कहां छुपा के रखा अपनी मकार बेटी को? उसे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, अनफॉर्चुनेटली। प्लीज मेरी अमल को इस मामले से दूर रखिए, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वही आई थी ना मेरे घर पे, उसी ने प्लान बनाया था ना भागने का, है ना? दिलशाद, समझने की कोशिश कीजिए, अमल ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बासिल के कहने पर हानिया की खैरियत मालूम करने गई थी। झूठ, झूठ बोल रही हो तुम सब झूठे हो।
झूठ बोल रहे हो तुम सब। शोर मचाना बंद करो, जो होना था हो गया है। बासिल और हानिया ने अगर निकाह किया है तो वो इसमें बराबर के शरीक हैं। सिर्फ मेरे बेटे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे खानदान के नाम का क्या? फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे खानदान की इज्जत उछाली है मेरे बेटे ने, तो वो इज्जत वापस लाई जा सकती है। ऐलान करवा दो कि हानिया और बासिल की शादी इटली में होगी, सिर्फ खानदान वाले शरीक होंगे, और बैठ के इस मसले को आपस में खत्म करो। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, I'm really concerned and worried about my daughter's safety and welfare. तुमने अभी कहा कि तुम मेरी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते, फिर मैं इस बात का कैसे यकीन कर लूं कि मेरी बेटी इस घर में तुम्हारे बेटे के साथ महफूज रहेगी? नो, आई डोंट ट्रस्ट यू। तुम्हारा जबानी कलामी कह देना मेरे इत्मीनान के लिए काफी नहीं है। नो, तो तुम चाहती क्या हो? मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। हाँ, मेरी बेटी इस घर में बहू बन के आ गई है, तो तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बन जाए? ये क्या कह रही हो तुम? अब अमल मेरे बेटे जहीन की बीवी बनेगी। यस। नहीं, मेरी बेटी क्यों? तुम बहुत गलत कर रही हो दिलशाद। अच्छा, तो फिर तुम सब कुछ सही कर दो ना, अमल को रुखसत करके शादी की तैयारी करो, मेरी बेटी यहाँ आ जाएगी, तुम्हारी बेटी मेरे घर में रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरना फिर तो सारा मामला मंजर आम पे आ जाएगा ना। और अगर मेरी इज्जत दाव पे लगी है तो पगड़ी तो तुम्हारी भी उछलेगी। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। हरगिज नहीं। क्यों कासिम, क्यों सोचने का वक्त दे जब हमें ये मंजूर ही नहीं है? तुम्हारे पास एक दिन का वक्त है, या तुम मेरी बेटी वापस ले आओ या मुझे अपनी बेटी दे दो। वरना अनफॉर्चुनेटली अमल को जेल जाना पड़ेगा ना। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? मेरी बेटी किसी का बदला नहीं चुकाएगी। सोनिया, खामोश रहो। 24 घंटे। कासिम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। दिलशाद अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, अगर मैंने उसकी शर्त ना मानी तो वो मेरी इज्जत भी उछाल देगी। तुमने बहुत बुरा किया वासिल, बहुत बुरा। हेलो दिलशाद, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे मेरी इज्जत पे हर्फ आए या मुझे कोई प्रॉब्लम हो। और एक और बात याद रखना,
मैं अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दूंगी। आपने देखा नहीं है, दिलशाद अपनी बेटी का बदला मेरी बेटी से लेना चाहती है। सच तो ये है कि बासिल और हानिया को भगाने में अमल ने उनकी मदद की है। अगर दिलशाद अपनी पे आ गई तो अमल को पुलिस से अरेस्ट भी करवा सकती है, और जब तक वो दोनों नहीं मिल जाते उसे हवालात में रहना पड़ेगा। और अगर एक बार वो हवालात चली गई तो तुम जानती हो ना लोग क्या क्या बातें करते हैं। इस वक्त इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। पहले बेटी पे नजर रखनी थी, वो कहां आती कहां जाती है। अब अगर मैंने अमल की शादी जहीन से करने का फैसला किया है तो हम सबको ये समझना चाहिए कि इसमें हम सबकी बेहतरी है। अमल मेरी बेटी है, मैं उसे यूं किसी शर्त किसी समझौते का शिकार नहीं होने दूंगी। सोनिया ये मत भूलो कि लोगों की नजर में मैं अमल का बाप हूं। तुम्हें अमल को राजी करना होगा। सोसाइटी में मेरा एक नाम है, एक इज्जत है, और सिर्फ अमल ही मेरी इज्जत बचा सकती है। अगर मैं तुम लोगों का ख्याल रखता हूं, तुम लोगों को सपोर्ट करता हूं, तो मुझे ये भी इख्तियार है कि मैं अमल की जिंदगी का फैसला करूं। मेरी बेटी को बासिल की गलती की सजा क्यों दी जाए? यहां ये गलती अब सिर्फ बासिल की नहीं रही, अमल भी इसमें शामिल है। और तुम दिलशाद की धमकी को मामूली ना समझो, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वो अमल पे एक किडनैपिंग का केस बनाकर उसे अरेस्ट करवा सकती है। मेरी तो इज्जत जाएगी जाएगी, अमल की इज्जत का भी जनाजा निकल जाएगा, तब तुम क्या करोगे? और अगर एक बार वो हवालात चली गई तो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कैसे दिलशाद मेरी बेटी को अरेस्ट करा सकती है जब उसने कुछ किया ही नहीं है? बासिल ने खुद हानिया को भगाया था। उन दोनों के फरार होने में अमल भी शामिल है, और दिलशाद ये साबित कर देगी, और उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैं उसकी बेहतरी के लिए उसका बाप बन के सोच रहा हूं। हाँ तो आप बाप है ना, दोनों बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। बासिल की किए गई सजा अमल को क्यों दी जाए? सोनिया मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि अमल को बचा सकूं और तुम्हें ठीक साबित कर सकूं। हालात बहुत नाजुक मोड़ पे हैं। अगर दिलशाद ने FIR कटा दी तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। अभी तक पता नहीं है कि बासिल और हानिया कहां हैं। तो इस वक्त दिलशाद का टारगेट है अमल, और मैं अमल को बचाना चाहता हूं। एक बार अमल दिलशाद की बहू बन जाए तो ये सारा मामला समंदर में झाग की तरह बैठ जाएगा। फिर हानिया यहां खुश रहेगी और अमल वहां। अगर तुम्हें अमल का फ्यूचर अजीज है तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। तुम बाद में मेरे इस फैसले को अप्रिशिएट करोगे। अब आप जो भी रीजन दें, मगर मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, ये गलत है। मैं बासिल को बुलाऊंगी और उसे कहूंगी अगर वो बहन कहता है तो भाई बनकर दिखाए। अमल की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है ना। मैं मानता हूं कि दिलशाद एक जिद्दी औरत है, मगर जहीन एक बहुत मुनासिब लड़का है। फॉरन क्वालिफाइड है, बिजनेस को समझता है, और अगर नॉर्मल हालात में जहीन जैसे लड़के का रिश्ता अमल के लिए आया होता तो कभी इनकार नहीं करती। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मैं तुम्हें मसाइल में घिरा हुआ नहीं देख सकता, बल्कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करनी, लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी में रहना है। मिलियो मैरी मी। रेहान बिल्कुल आप जैसा है पापा।
केयरिंग, लविंग, सबकी फिक्र करने वाला, सबको खुश रखने वाला। रेहान बिल्कुल आपकी तरह प्रोटेक्टिव है। आपके जाने के बाद हमेशा मेरे लिए शील्ड बना रहा। उसने हमेशा मेरा साथ दिया। शायद वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। हेलो बासिल भाई, कहाँ थे आप? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? इतनी कॉल्स की मैंने आपको। अरे सब छोड़ो, मुझे ये बताओ घर में सब कैसे हैं? खैरियत है? पापा ठीक हैं? खैरियत कैसे होगी बासिल भाई, हानिया के मामा ने घर आकर इतना हंगामा किया है। उन्होंने तो मुझे भी इस मामले में घसीट लिया। अंकल और मामा से कहा है कि मैंने साजिश करके उनकी बेटी को घर से भगाने पर उकसाया है। सब मुझसे खफा है। मैं जानता था ऐसा ही होगा, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। आसिफ भाई आप प्लीज घर वापस आ जाए। अंकल नाराज जरूर हैं, खफा हैं, लेकिन वो बहुत परेशान हैं। आप माफी मांगेंगे ना तो वो माफ कर देंगे। हानिया को भी बहू मान लेंगे। प्लीज एक बार घर आ जाए। देखो अमल, तुम जानती नहीं हो पापा को। अपनी ईगो के आगे किसी को कुछ नहीं समझते, वो नहीं मानेंगे। और जब तक घर का माहौल ठीक नहीं होगा मैं घर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं आनिया को हर्ट नहीं करवाना चाहता। अच्छा सुनो, अब मैं फोन रखता हूँ। देखो तुम बेअतबार है, मेरा नंबर किसी और को मत देना। बासिल भाई आप एक बार एटलीस्ट फोन पर ही सही, लेकिन अंकल से बात कर लीजिएगा, बहुत अपसेट है। हाँ मैं जल्दी फोन करूंगा, तुम फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे गुड नाइट विश भी नहीं की। आई नो मामा आप मुझसे नाराज हैं, प्लीज मामा मुझसे नाराज मत हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आप हर्ट हो। आपको क्या
वाकई में लगता कि मैंने अपने बच्चे की जान दी है? सिर्फ एक खूनी रिश्ता था जो मेरा जिंदगी में आने वाला था। फिर वही बकवास। तो मेरी एक बात का जवाब, आप पहले मेरी बात का जवाब दें। मैं घर से बाहर नहीं जाती तो वो दवाइयां मेरे दराज में क्या कर रही हैं? नो मोहन, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मतलब आप सोच भी कैसे सकती हैं? मैं महा से मोहब्बत करता हूं और शादी भी उसी से। वो लड़की मेरी बेटी को इस घर से मैं वापस ला के ले गई। मेरे घर में मेरे सामने खड़े होकर मेरी बेइज्जती की, मुझे उसे सबक सिखाना है उसे मैंने। हम सबक तो वैसे भी सिखाया जा सकता है किसी और तरीके से, इस शादी करके ही क्यों? नहीं, शादी करके इस घर में लाके हिसाब किताब चुकता होगा। हानिया का बदला, मेरी बेइज्जती का बदला इतनी आसानी से तो पूरा नहीं होगा। तुम्हें अमल से शादी करनी होगी। ये आप क्या कह रही हैं? ज़हीन ऐसे कैसे किसी से शादी कर सकता है? तुम हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने वाली कौन होती हो? इस घर में रहने की इजाजत दी है काफी नहीं है तुम्हारे लिए? खैर, किसी रिश्ते के रह रही हो इस घर में, बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रखा है मैंने तुम्हें। ज़हीन, तुम खुद बताओगे या फिर मैं बताऊं? हाँ प्लीज। क्या कह रही है ये? क्या छुपा रहे हो मुझसे? किस हैसियत से रह रही है इस घर में ये? मॉम, मेरी दोस्त की हैसियत से रह रही है, ये रिश्ता काफी नहीं है क्या? हमारे माशरे में ऐसे रिश्तों पे सिर्फ बातें बनाते हैं लोग, कुछ नहीं। तुम्हारी मॉम मेरी इंसल्ट कर रही है। तुम बताओ उन्हें मैं कौन हूं, वरना मुझे बताना पड़ेगा। प्लीज आप दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो जाएं, प्लीज। ज़हीन, मैंने कह दिया है तुम्हारी शादी अमल से होगी, ये मेरा आखिरी फैसला। जानते हो ना, तुम्हारी माँ हार नहीं मान सकती। क्यों मजबूर कर रहे हो मुझे? मान लो ना मेरी बात, कर लो शादी उससे। मुझे उसे सबक सिखाना है, उसका गुरूर तोड़ना है। मुझे अपना बदला लेने दो ना बेटे। देखिए, आपको बदला लेना ना आप जरूर लें, लेकिन मेरी कुर्बानी क्यों दे रही हैं? तो ठीक है, जाओ, चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। आप बस चले जाओ इटली, इस फजूल लड़की को अपने साथ लेकर जाओ। मैं अकेली काफी हूं, मैं कर लूंगी मुकाबला जमाने से। मगर याद रख, मेरी बिजनेस पे अब तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। ये आप क्या कह रही हैं? बेटा हूं मैं आपका, आप कैसे कह सकती हैं ऐसा? फिर मान जाओ ना मेरी बात। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि कासिम दाद का खानदान बेबसी से तड़पे है और मैं देखती रहूं। मेरा साथ दोगे ना? दोगे ना बेटे? वो लड़की बासिल की स्टेप सिस्टर है और कासिम की सुतेली बेटी है। वो यहाँ जिए मरे या उसके साथ कुछ भी हो, इससे उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, फर्क पड़ता है। मॉम,
मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन आज आपने मजबूर कर दिया कि यह बात मैं आपको बताऊं। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मां, मैं और महा निकाह कर चुके हैं। सॉरी मॉम, हमने 3 महीने पहले इटली में निकाह किया। और मैं ज़हीन की बीवी हूँ, इसलिए ज़हीन की दूसरी शादी का ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हेलो, कौन? अच्छा, तो अब ये पूछा जा रहा है कि कौन? वेरी फनी, तुम इतने सुबह मुझे फोन करके उठाओगे तो ये पूछूंगी ना। नींद तो तुमने मेरी उड़ा दी है और तुम अभी तक सो रही हो। जानती हो वक्त क्या हुआ है? अभी तक मतलब? मतलब कि सुबह के 8 बज रहे हैं। क्या, सुबह हो गई? हाँ, और मैं तुम्हारी गली में खड़ा हूँ और मुझे तुमसे अभी मिलना है। फौरन बाहर आ जाओ। तुम गली में क्यों? अंदर आ जाओ ना, मामा से भी मिल लो। नहीं, फिलहाल नहीं, फिर कभी आऊंगा। अभी तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। अच्छा, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मामा मुझे जगाने भी नहीं आए, नाराज है ना। पता नहीं मैं ऐसा क्या करूं कि उनकी नाराजगी दूर हो जाए। तुम एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो, उनका दिमाग बनकर उनको बहुत खुश रखूंगा। आई प्रॉमिस। रिहान, मैं सीरियस हूँ। तो मैं भी सीरियस हूँ। फिर बताओ मैं कब भेजूं आपकी और अम्मी को तुम्हारे घर? तुमने ऑफिस नहीं जाना? ऑफिस तो जाना है, वैसे भी बॉस नहीं है ऑफिस में, तो उनके आउटडोर प्रोजेक्ट्स भी मुझे हैंडल करने, लेट हो जाऊंगा आज। मतलब आजकल बॉस ऑफिस में नहीं है और तुम बगैर बॉस के घूम रहे हो? वैसे बॉस है कहाँ? ये सारे काम का बर्डन तुम पर आ गया। पता नहीं यार, क्या लोग हैं ये, एक लड़की को साथ लेकर घूमता है और दूसरी से शादी कर रहा है। मतलब तुम पर भी नजर रखनी पड़ेगी, गलत सोहबत में जो रहते हो, बिगड़ गए तो मेरा क्या होगा? मतलब तुमने मान ही लिया कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम बेफिक्र हो, मैं सिर्फ तुम्हारा बनकर रहूंगा। पागल हो बिल्कुल, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जी, मैं तुम्हारी मोहब्बत में बिल्कुल पागल हूँ। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, फिर इस बेकार की जिंदगी का क्या करना, ऐसा करता मर जाता। कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे नहीं कहते।
अमल इश्फाक, मेरी जिंदगी सिर्फ तुमसे शुरू होती और तुम पर खत्म। तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता जिंदगी। आई नो, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही। तो सुनो सुनो, मेरे सवाल का जवाब। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल आई रियली वांट टू थैंक यू, हमेशा मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देने के लिए। मैं बेवकूफ थी जो पहले समझ ही नहीं सकी। प्लीज ये बातें रहने दो, बस अपने दिल पर ये लिख लो कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और तुम्हारे नसीब में सिर्फ मैं। हो गए आपके डायलॉग्स, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। बाय। चाय कमरे में दे दो। जी बेटी। नाश्ता तो करके जाए, मामा भी नहीं आए अभी तक, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। नहीं यार, तुम नाश्ता करो, मैं सोनिया को भेजता हूँ। मामा को क्या हुआ? मैं रात को डिनर पे आई, वरना यह ब्रेकफास्ट पे आ गया। तुमसे नाराज है क्या? राफे, मामा हमसे नाराज हो सकती हैं क्या? तो फिर चलो इतना मत सोचो, मैं सैंडविच बना के देती हूँ, नाश्ता करो। So fire him then. मुझे ऐसे फजूल लोग अपनी कंपनी में बिल्कुल नहीं चाहिए। Get rid of him now. Come in. माँ बाप को पता है? एक्चुअली मेरी फैमिली अंडरस्टैंडिंग है, तो उनसे छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मॉम, एक्चुअली मैं आपको बताने वाला था, लेकिन आप नाराज ना हो जाएं इसलिए। हम आपको बताकर अपनी शादी अनाउंस करना चाहते हैं। माँ की फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत वेल सेटल्ड लोग हैं। मेरे ग्रैंडफादर यूरोप में एम्बेसडर थे। मॉम, हमने एमबीए साथ किया है, बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम इससे शादी करना चाहते हो। शादी कर चुके हो तो मुझे पता चला है। वाह, क्या इज्जत है माँ बाप की। मैंने पापा को महा और मेरे बारे में बताया था, और उन्हें कोई एतराज भी नहीं था। लेकिन बाद में उन्हें फालज का अटैक हो गया, तो बात वहीं की वहीं रह गई। मॉम प्लीज, मैं महा के बगैर जिंदगी गुजारने का नहीं सोच सकता। देखो ज़हीन, I don't care about all of this. अमल से शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। Come on, mom. वो हानिया एक ना एक दिन मिल जाएगी, हम उसे ढूंढ रहे हैं ना, फिर उस लड़की को आप मेरे गले में क्यों बांधना चाहती हैं? तुम्हारे गले नहीं, इस घर के किसी कोने में बांध के रखना चाहती हूँ मैं उसको। मेरा कोई और बेटा भी नहीं है ना जहीन, वरना मैं उससे शादी करवा देती अमल की। मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है जहीन। मेरा घर अभी बसा नहीं है और आप उसे उजाड़ने की बातें कर रही हैं। मैं तुम दोनों की शादी को एक्सेप्ट कर रही हूँ, और तुम लोग साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, ठीक है, वो भी मान लिया मैंने,
लेकिन तुम दोनों को मेरी बात माननी होगी। मॉम प्लीज, मेरे दिल में जो बदले की आग जल रही है ना, वो तुम्हारी और अमल की शादी के बगैर बुझ नहीं पाएगी। मैं उस लड़की को दिन रात इस घर में तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। जहीन मान जाओ मेरी बात। आप जहीन को इमोशनल करके मेरी सौतन लाने की बातें कर रही हैं? तो क्या हुआ, हमारे माशरे में तो लोग दो दो तीन तीन शादियां करते हैं। आम हालात में तो तुम मेरी बहू नहीं बन सकती थी, मगर मैं मान रही हूं ना, अपना रिश्ता कायम रखना चाहती हो तो मेरी बात मानो। मुझे कासिम दाद को और दुनिया वालों को दिखाना है कि अमल इस घर में दुल्हन बन के आई। और सुनो जहीन, तुम जैसा चाहे सलूक करना उसके साथ, तुम्हारी बीवी वहां ही रहेगी, उसको किसी कोने में फेंक देना, आई डोंट केयर। मेरी खातिर तुम्हें अमल से शादी करनी होगी, तो चाहे अपनी जिंदगी जैसे भी गुजारो, मैं इंटरफियर नहीं करूंगी। जाओ जो मर्जी करो, खुश रहो, बस अमल को इस घर के किसी कोने में बांध के रखना चाहती हूँ, बस और तो कुछ नहीं। मान जाओ मेरी छोटी सी बात, मान जाओगे ना तुम माँ की खातिर? ठीक है मां, मुझे आप कुछ वक्त दें सोचने के लिए।